दिल्ली से चलकर माता अन्नपूर्णा देवी की पुनर्स्थापना यात्रा तीसरे पड़ाव में रविवार को अयोध्या पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में यात्रा ने विश्राम किया और फिर माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का जन्मभूमि परिसर में पूजन अर्चन किया गया। वैदिक रीति रिवाजों के साथ ब्राह्मणों ने रामलला के अस्थायी भवन में माता अन्नपूर्णा का पूजन किया, जिसमें मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रिधौली विधायक रामचंद्र यादव मौजूद रहे। इस यात्रा को लेकर आगे रवाना होने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी पूजन में शामिल हुए, जिसके बाद नीलकंठ तिवारी अयोध्या से यात्रा को लेकर काशी के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के काशी पहुंचने के बाद वहां मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होते हुए काशी पहुंचेगी, जहां मां दुर्गा के मंदिर में यात्रा का विश्राम होगा और सोमवार विश्वनाथ धाम काशी में पूजा के बाद मूर्ति की पुनर्स्थापना की जाएगी। दिल्ली से निकली है, उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों से होते हुए काशी ये आज पहुंचेगी। शाम को काशी में मां दुर्गा के मंदिर में, कुष्मांडा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम यात्रा का होगा और कल 9:30 बजे पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में मां अन्नपूर्णा जी का होगा। अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए काशी के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए दुर्गा मंदिर तक जाएंगे। पूजा हुआ, आरती हुआ और उसके बाद मूर्ति ने आज यात्रा का विश्राम श्री राम जन्मभूमि मंदिर था, वहां से मूर्ति को पुनः स्थापित करके हम लोग लेके जा रहे हैं।